الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے سے پہلے بھی غار حرا میں جا کر کئی دنوں تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور جب وہاں پہلی وحی آئی اور اس کے بعد آپ پر یہ نبوت کا تاج پہنایا گیا چونکہ وحی کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ کوئی آسان نہیں ہوتا سرکار فرماتے ہیں کہ کبھی تو مجھ پر وہ گھنٹی کی طرح سے کوئی آواز آتی تھی یہ ایک وحی کا طریقہ ہوتا تھا اور اس کا سمجھنا میرے لیے بہت مشکل اور دشوار تھا جیسے کہ آج سے 15-20 سال آپ پیچھے چلے جاؤ تو اگر یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے اور انڈیا اور پاکستان اطلاع دینی ہے وہ موبائل فون اور گھر کے فون کا زمانہ نہیں تھا تو اس وقت پوسٹ آفس میں جا کر لوگ تار کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے تھے پوسٹ آفس میں ایک مشین رکھا ہوتا تھا
उसमें वो घंटी की तरह आवाज टिक 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 करके घंटी की आवाज होती थी। अब हमें इसका पता नहीं होता कि ये आवाज क्या है, लेकिन वो पोस्ट मास्टर जो होता है वो आपको बता देता है कि फुला जगह से आपका इस तरह पैगाम आया है, फुला मुल्क में किसी साहब का इंतकाल हुआ है, या कोई बीमार हो गया है, या फिर किसी की शादी है, कोई खुशी का मौका है। तो सरकार के ऊपर भी इस तरह से वही आती थी। कभी तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे, और कभी अल्लाह ताला की तरफ से दिल में कोई बात डायरेक्टली डाल दी जाती थी, इल्का की जाती थी। जब पहली मर्तबा वही नाजिल हुई तो आप चूंकि वही का बोझ होता है सरकार के चेहरे पर, सर्दियों में जैसे यहां विंटर का जमाना है, सख्त सर्दी के मौसम में सरकार की पेशानी के ऊपर पसीने के कतरे होते थे। तो आप घर तशरीफ लाए, हजरत खदीजा से कहा कि जम मिलूनी के मुझे चादर ओढ़ा दो, और उसके बाद जो वही आई थी उसके बारे में अपनी बीवी हजरत खदीजा से सरकार ने गुफ्तगू फरमाई। क्योंकि ये पहला मौका था, सरकार थोड़े डरे हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ताजेदार मदीना अपने सरदार नबी आखिर उज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली के कलिमात कहे। बीबी जो होती है हमेशा अपने मियां और शोहर के डिफेंस के लिए हुआ करती है। आने वाले हालात और मुसीबत को जितना वो उसका शोहर बर्दाश्त करता है उससे ज्यादा बर्दाश्त की ताकत बीबी रखती है। इसलिए वो इत्मीनान बख्श आपको जवाब देगी, तसल्ली भी देंगी कि जो हालात आए हैं डरने की बात नहीं है, अल्लाह ताला इसके दरमियान से कोई रास्ता और हल निकाल देंगे। तो हजरत खदीजा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और इत्मीनान दिलाया कि आप डरने की बात नहीं है आपके लिए, इसलिए कि आपने न कभी किसी का बुरा किया, बल्कि आप लोगों का बोझ उठाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, और जो मुसीबत ज़दा है उसकी मुसीबत को दूर करते हैं। चूंकि हजरत खदीजा की कुछ बातों से सरकार को तसल्ली हुई, फिर वो वक्त भी आया कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि अब हमारे इस पैगाम को, हमारी तरफ से मिली हुई दावत को लोगों में आम करो, और लोगों के अंदर भी दीन की दावत चलाओ। यहां से ये दावत का काम शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुंबे बिरादरी रिश्तेदारों को जमा किया एक जगह पर बुलाकर, या सबाहा, सबको जमा किया। अरब में इस तरह की आवाज खतरे की घंटी समझी जाती थी। सब लोग वहां जमा हुए। सरकार ने फिर फरमाया कि अगर मैं तुम्हें ये बतलाऊं कि इस पहाड़ के पीछे कोई लश्कर जर्रार है, दुश्मनों का लश्कर है जो तुम पर अटैक करने वाला है, हमला करने वाला है, आप मेरी बात मानेंगे? सबने एक जबान होकर कहा कि हम जरूर आपकी बात मानेंगे, इसलिए कि आप सादिक हैं, यानी सच्चे हैं, मक्का मुकर्रमा के सबसे सच्चे इंसान हैं आप। देखिए, यही वो कौम है जो सरकार को सादिक कह रही है, अमीन कह रही है, अमानतदार, सादिक यानी सच्चे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक अजाब से डराता हूं, आने वाला वो अजाब जो आखिरत में अल्लाह की तरफ से आने वाला है, इसलिए तुम एक अल्लाह के परस्तार बन जाओ, इन माबूदों की पूजा छोड़ दो, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे दरमियान अपना रसूल और नबी बनाकर भेजा है। बस इतनी बात सुननी थी कि फिर शोर गुल मच गया। जो लोग अभी दो मिनट पहले आपको सच्चा कहते थे, अमानतदार कहते थे, अब वो आपको झूठा कहने लगे और आपको दीवाना कहने लगे,
आपको साहिर यानी जादूगर कहने लगे। उसी मौके पर जो अबू लहब था उसने भी आपको कहा था तब्बन लका ली अली हाजा जमातना कि तुम्हारे पर हलाकत हो, तुम बर्बाद हो जाओ, क्या इसीलिए तुमने हमें यहां जमा किया, हमारा वक्त बर्बाद कर दिया। बस इस दावत का देना था कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालात आने शुरू हो गए। इब्तिदा में तो वो चंद लोग ईमान लाए थे और जितने ईमान वाले थे उनके ऊपर भी तरह तरह की मुसीबतें और हालात, गोया कि वो आजमाइशों की चक्कियों में पीसे जा रहे थे। रास्ते में चलते थे तो कंकर मारते थे, पीछे से तालियां पीटते थे, सरकार के रास्ते में कांटे बिछा देते थे, बिलाल हबशी को मक्का की संगरेज जमीन पर घसीटा जाता था खुले बदन, अरब की तपती हुई धूप में बदन से कपड़े उतारकर वो खुरदुरी जमीन होती थी पत्थरों वाली, उस पर घसीटते थे, जख्मों से खून बहता था। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु को दहकते हुए गर्म कोयलों पर बरहना करके लिटा देते थे, उनकी बॉडी की चर्बी से वो आग ठंडी होती थी। इतने शदीद हालात थे मक्की जिंदगी में कि जिसकी एक मुस्तकिल तारीख थी इंसान का कलेजा मुंह को आ जाता है, अगर आदमी पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उन लोगों ने किस तरह से हालात झेले होंगे तब जाकर ये दीन हम तक पहुंचा और दारुल इल्म में आया और हमें यहां फ्री में मिला है ये दीन इस्लाम ईमान, इसलिए कदर मालूम नहीं है। सहाबा इकराम ने इसके लिए मशक्कतें झेली, कुर्बानियां उठाई, पत्थर खाए, मारे खाई, गालियां खाई, घर से बेघर हो गए, वतन को छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, खानदान रिश्तेदारों को छोड़ दिया, बस इसी अल्लाह के दीन को और इस कलमे को लेकर दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गए। जहां सरकारों ने भेजा निकल गए, दोबारा लौट कर आने की डिमांड और मांग कभी नहीं की। हमारे 3 दिन 40 दिन 4 महीने लगते हैं तो अमीर साहब से पहले से कंडीशन बता देते हैं शर्त कि हम 3 दिन जाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ब्राडफोर्ड फुला मस्जिद में भेजेंगे तो हम जाएंगे, या बर्मिंघम जाना है तो फुला मस्जिद में हमको भेजेंगे तो हम तैयार है, हमारी पहले कंडीशन होती है। और कितने तो पहले से छुट्टी भी बुक कर लेते हैं कि 3 दिन के लिए जा रहा हूं लेकिन 2 दिन में वापस आऊंगा, 3रे दिन मेरा थोड़ा काम बाकी है। लेकिन वहां सरकार ने जिस साहबी को उंगली से इशारा कर दिया फुला मुल्क निकल जाओ, वो ऐसे गए कि वहां उन्होंने अपनी कब्र बना के छोड़ी, पूरी दुनिया में फैल गए। इसलिए मालूम होगा कि जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा इकराम की तादाद कितनी थी, सहाबा इकराम की तादाद 1 लाख से ऊपर की तादाद सहाबा इकराम की। लेकिन आपको मालूम है कि जहां जन्नतुल बकी बना है मदीना मुनव्वरा का कब्रस्तान, उसमें 10,000 सहाबा इकराम की कब्रें हैं और मक्का मुकर्रमा में कुछ सहाबा इकराम की कब्रें हैं। तो अब बाकी सहाबा जो 1,24,000 थे वो कहां गए, यहां तो सिर्फ 10,000 और मुश्किल से उस तरफ थोड़ी सी कब्रें हैं, तो बाकी सहाबा इकराम कहां गए। वो सहाबा इकराम पूरी दुनिया में अल्लाह के इस कलमे को लेकर फैल गए, अल्लाह के इस कलमे को लेकर दुनिया के चप्पे चप्पे में निकल गए। और फिर उन्होंने कभी तमन्ना नहीं की कि हम मक्का मुकर्रमा जाए, मदीना मुनव्वरा जाए, कि सरकार ने जिस काम के लिए भेजा है उसी काम को करते करते जिंदगी के आखिरी सांस तक उन्होंने इस मिशन को संभाला और अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की दावत पहुंचाते रहे।
نبوت کے 13 سال سرکار مکہ میں رہے اور 13 سال میں عجیب و غریب حالات آئے، کبھی اپنوں کی طرف سے حالات، کبھی غیروں کی طرف سے حالات، کبھی گھر والوں کی طرف سے حالات، کبھی دوستوں کی طرف سے حالات، کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر تو سرکار کے پاس مکہ کے جو چودھری تھے، لیڈر لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ سرکار کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد، چند ڈیمانڈ رکھی انہوں نے آفر کی، چند چیزوں کی، کہ اے محمد اگر تم ہمارے سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا سردار بنا دیں گے، مگر تم جو یہ دعوت دے رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ اور کبھی تو یہ آفر کیا کہ اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اتنا مال دے، اتنا مال دے کہ مکہ کے سب سے امیر انسان تم بن جاؤ۔ اور ایک آفر بھی کیا کہ اگر تمہیں عورتوں کی ضرورت ہے، کوئی بی بی چاہیے، تو عرب کی سب سے خوبصورت حسینہ، سب سے حسین جمیل عورت کو ہم تمہارے پاس لا کر رکھ دیں گے۔ یہ نبی ہوتے ہیں، یہ دنیا کی چھوٹی موٹی آفر کے اوپر اپنا مشن نہیں چھوڑ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے حالات آئے۔ ایک موقع وہ آیا کہ وہ مکہ کے چودھری چچا ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اپنے بھتیجے سے سمجھاؤ، ان کو کہو کہ یہ جو دعوت تم دے رہے ہو اس سے باز آ جاؤ، ہماری دوسری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں نا اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب چچا آئے حضرت علی کے والد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آ کر کہنے لگے کہ بھتیجے، اس طرح سے مکہ کے کچھ حضرات، کچھ چودھری لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے اس مشن کو، اس دعوت کے کام کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا، یا تو میں اس اللہ کے کلمے کو کہتے کہتے اپنی جان دے دوں گا، جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میرا اتنا بڑا مشن ہے کہ ہر کچے اور ہر پکے گھر میں میرا یہ کلمہ اور میری یہ دعوت پہنچ کر رہے گی۔ کچے گھر سے مراد وہ دیہات ہوتے ہیں اور پکے گھر سے مراد شہر ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل چکا ہے اور پہنچ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ہم جیسے کمزور لوگوں کو چنا ہے کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے مختلف طریقے سے آج لوگ محنتیں کرتے ہیں۔ کوئی دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنتیں کر رہا ہے، کوئی مدارس کی لائن سے محنت کرتا ہے، کوئی خانقاہوں کے ذریعے سے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب راستے اور طریقے الگ الگ ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ سب سے آسان کام جو ہے دعوت و تبلیغ، اس لیے کہ مدرسے میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاس اتنی عمر چاہیے، وہ آپ کا بچپنا چاہیے اور آپ کا دماغ حاضر چاہیے، تب جا کر آپ مدرسے میں بیٹھ کر علم حاصل کریں گے۔ اگر کوئی 40-50 سال کا آدمی مدرسے میں جا کر کہے کہ مجھے پڑھنا ہے تو استاد منع تو نہیں کریں گے، بٹھا لیں گے، لیکن تیسرے دن خود بخود وہی چلا جائے گا کہ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، اب دماغ کام نہیں کرتا ہے میرا۔ اور خانقاہ میں ایسے لوگ جائیں گے
جو کسی شیخ سے وابستہ ہو، وہاں ذکر و اذکار سیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ ضربے لگاتا ہے تو اس کا دل بھی سنورتا ہے اور لوگوں کے دل پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ آسان کام ہے، نہ اس کے لیے عمر کا کوئی تقاضا، جو بھی عمر ہو آدمی نکل سکتا ہے، اور نہ اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے، نہ حافظ ہونا شرط ہے۔ آدمی نکلتا اسی لیے ہے اور یہی صدا لگاتا ہے کہ بھائی ہم آپ کے یہاں جو آئے ہیں کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے آئے ہیں، کچھ آپ ہمیں سکھاؤ، اور ہمیں جو کچھ ٹوٹا پھوٹا آ رہا ہے ہم آپ کو سکھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے۔ اب مکہ مکرمہ میں ایک طرف حالات ہیں، صحابہ اکرام مشکلات میں ہیں، طرح طرح کی مشکلات، ہر اعتبار سے انہوں نے کوشش کی کہ اس آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے، لیکن حق دبتا ضرور ہے لیکن مٹتا کبھی نہیں، اور باطل جو ہے وہ غبارے کی طرح زور سے اوپر جاتا ہے، بلون کی طرح، لیکن بہت جلد پھر نیچے آ جاتا ہے۔ تو حق ہمیشہ سے دبا ضرور ہے لیکن کبھی مٹا نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس آواز کو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیں گے، لیکن یہ آواز کبھی دبی نہیں۔ جتنا وہ دباتے تھے اتنی حق کی آواز بلند ہوتی تھی، روزانہ کوئی نہ کوئی نیا آ کر اسلام قبول کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف فرما دے سرکار، چند صحابہ اکرام تھے، کسی نے آ کر آپ کے سر پر وہ تیر کی کمان لگائی، وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار کے چچا ہے، عمر میں 2 سال بڑے ہیں۔ وہ فوراً اپنے بھتیجے کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے، کہا کہ محمد کی طرف جس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اس کی آنکھ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، میرے اس بھتیجے کو اکیلا مت سمجھنا۔ اب امیر حمزہ کی ایک طرف طاقت ہے، پھر چند حضرات مسلمان ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے، تو یہ دعوت پہنچتے پہنچتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں بھی پہنچی۔ حضرت صدیق اکبر پہلے ایمان قبول کر چکے تھے لیکن ابھی کھل کر اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، کھل کر حرم میں جا کر خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے تھے، چونکہ حضرت عمر کا جو جذبہ تھا، ان کا جلال تھا، ان کا جو رعب تھا مکہ میں، سب ڈرتے تھے کانپتے تھے، طویل القامت تھے، لمبے چوڑے اونچے اور بڑی بڑی مونچھیں تھی، ایک تو عربی نسل، ہمارے جیسے دبلے پتلے کمزور نہیں، عرب کے مضبوط انسان، تناور آدمی، طاقتور آدمی، اور رعب اور جلال اتنا اللہ نے دیا تھا کہ کسی کے مجال نہیں تھی کہ عمر کا مقابلہ کرے۔ ان کو کسی نے بتلایا کہ عمر کیا بات ہے، تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری بہن اور بہنوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب چونکہ تھے تو وہ غصے والے پہلے سے، جیسے کہ آگ کے انگارے ہو، اس میں صرف آپ پیٹرول ڈالیں گے تو وہ شعلہ پکڑ لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کسی نے اس طرح چھوٹی سی چنگاری لگائی، وہ نکلے وہاں سے، وہ وہاں سے نکلے، پہلے نکلے تھے سرکار کے پاس جانے کے لیے کہ آج جاتا ہوں، ہاتھ میں تلوار تھی ننگی، کہ آج جاتا ہوں کہ العیاذ باللہ محمد کا کام تمام کر دو، اس ارادے سے گھر سے نکلے۔ اب راستے میں کسی نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو عمر، کہا کہ آج محمد کا کام تمام کر دو تاکہ ہمیشہ کا جھگڑا مکہ میں ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو،
अपने बहन और बहनोई की खबर लो, वो भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अब जाते थे सरकार के पास, लेकिन पलटे, अब बहन के घर का रास्ता लिया। घर पर पहुंचे तो किवाड़ बंद था दरवाजा, नॉक किया, अंदर में अल्लाह का कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। अब घर में नॉक किया तो देखा कि उमर है। बहन और बहनोई दोनों डर गए कि अब उमर आ गए हैं, इसलिए अब मामला मुश्किल है। जल्दी से जो कुछ कुरान करीम के औराक उनके हाथ में थे, कुरान करीम लिखा हुआ था, कभी तो पत्तों पर लिखा होता था, कभी हड्डियों पर लिखा होता था, वो उन्होंने जल्दी से छुपा दिया। फिर दरवाजा खोला तो हजरत उमर का चेहरा गुस्से में लाल था। बहन से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी, तो उन्होंने बताया कि हम कुरान पढ़ रहे थे। तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई हो? कहा कि हाँ मुसलमान हो गई। अब हजरत उमर ने अपनी बहन को मारना शुरू किया। अब उमर के हाथ हो और सामने कोई कमजोर औरत हो, वो मार खाती रही, मार खाती रही, बदन से खून भी बहने लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मारते गए, बहन कहने लगी कि उमर मैं भी तेरी ही बहन हूं, उमर तू जितना मारना चाहे मार ले, तू मेरे बदन से जान निकाल सकता है लेकिन दिल से ईमान नहीं निकाल सकता। बहन बहनोई को खूब मारा। आदमी गुस्से में किसी पर हाथ उठा लेता है, हमारी भी आदत होती है कि कभी किसी पर गुस्से में हाथ उठा लेते हैं, मार बैठते हैं, कभी बच्चों को मार दिया, कभी किसको मार दिया, लेकिन थोड़ी देर में जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर दिमाग शांत होने के बाद, दिमाग के ऊपर से बोझ उतरने के बाद फिर अफसोस होता है कि मैंने खामखा बच्चे को मार दिया, मैंने खामखा इसके ऊपर अपना गुस्सा उतार दिया। तो हजरत उमर भी चूंकि इंसान थे, उन्होंने मार तो दिया, जी भर कर मारा, लेकिन फिर दिल में एहसास हुआ कि मैंने अपनी बहन को ऐसे इतना ज्यादा मार दिया है, गलत हो गया। अब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। ये अल्लाह ताला रास्ता बना रहे हजरत उमर के इस्लाम में दाखिल होने का। बहन से पूछने लगे कि बहन तुम क्या पढ़ती थी, मुझे भी जरा बताओ। तो हजरत उमर की बहन ने जवाब दिया कि भाई तुम अभी, तुम्हारे अंदर कुफ्र की नजासत और गंदगियां हैं, तुम नापाक हो, और ये अल्लाह का पाक कलाम है, जब तक तुम पाक नहीं हो सकते वहां तक तुम्हें ये अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ाया जाता, दिखाया नहीं जाता। हजरत उमर ने गुसल किया और उसके बाद जो पीछे कुरान करीम छुपाया था वो लाकर दिखाया। चूंकि वो तो अरबी नस्ल थे और कुरान अरबी में नाजिल हुआ उनकी जबान में, आज हम कुरान करीम सुनते हैं नहीं समझते फिर भी दिल पर असर होता है, और वो तो खुद अरबी नस्ल, उनकी जबान अरबी, वो तो फौरन समझने वाले लोग। उनके सामने वो सूरे ताहा के चंद अवराक थे। हजरत उमर ने देखा और पढ़ना शुरू कर दिया। طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى पढ़ते रहे पढ़ते रहे। إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ही अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत करो। बस ये पढ़ते गए, दिल में इस्लाम की हक्कानियत उतर दी गई और बुलंद आवाज से चीख कर इस्लाम का कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब कहां गए? सरकार के पास, इसलिए कि दिल में इस्लाम आ चुका था। अब सरकार के हाथ पर ईमान कबूल करने के लिए पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमी अमीर हमजा बताया और चंद सहाबा इकराम वहां तशरीफ फरमा थे दारे अरकम में। वहां पहुंचे, दरवाजे को नॉक किया, हाथ में वो तलवार थी चूंकि घर से लेकर निकले थे,
अब जैसे ही दारे अरकम में पहुंचे तो दूसरे साहब इकराम थे, उन्होंने देखा कि ये उमर आ गए हैं। अमीर हमजा खड़े हो गए, वो भी सरदार थे और अल्लाह ताला ने उनको जो ताकत अता फरमाई थी वो हजरत उमर से कोई कम नहीं थी, ये भी शेर थे। अमीर हमजा खड़े होकर कहने लगे कि अगर उमर अच्छे इरादे से आया है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार होगी और उसी का सर होगा। अमीर हमजा आगे बढ़ने लगे, सरकार ने फरमाया कि ठहर जाओ तुम, मैं खुद आगे जाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए और दरवाजा खोला तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों पर आंसू थे। वो जज्बे में, दिल में ईमान भरा हुआ था, सरकार से लिपट गए और रोने लगे। इसलिए शायर ने कहा, उमर थे गुस्से में चूर इतने, गए थे हजरत को कत्ल करने। उमर थे गुस्से में चूर इतने, गए थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सरकार की निगाहों से सीनों में ईमान रच बस जाता था। अब हजरत उमर भी इस्लाम में दाखिल हो गए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। पूरे मक्का में अब इस्लाम की आवाज गूंजने लगी, बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा। पूछा क्या हुआ तो कहा, आज तो उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब जो दारे अरकम में थे, हजरत उमर कहने लगे कि अल्लाह के नबी, ऐसे छुप छुप कर हम कब तक इबादत करते रहेंगे? ये अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, वहां जाकर इबादत होगी। हजरत उमर अपने साथ सहाबा इकराम को लेकर निकले कि चलिए मेरे साथ खाने काबा में, देखते हैं कि कौन रास्ता रोकता है आज हमारा। हजरत उमर रास्ते से गुजर रहे हैं, साथ में सहाबा इकराम है, खाने काबा में जा रहे हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि हजरत उमर का रास्ता रोके। वहां खाने काबा में पहुंचे तो ऐलान किया हजरत उमर ने कि जो भी अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता हो, आकर उमर का रास्ता रोके और देखे कि कौन उसे इस्लाम का कलमा बुलंद करने से रोक सकता है। अब मक्का मुकर्रमा में हजरत उमर के ईमान कबूल करने से वो चौधरियों में और मुशरिकों में थोड़ा डर बैठ गया, क्योंकि हजरत उमर का मुकाबला करना आसान नहीं था। अब अल्लाह ताला ने इस्लाम के नरगे में दो बड़े बड़े शेर दाखिल कर दिए, अमीर हमजा और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। लिखने वाले ने लिखा है कि हजरत उमर जिस दिन ईमान लाए उसके दो दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर के इस्लाम लाने के बारे में दुआएं मांगी थी। जुमा का गालिबन दिन था, अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी कि अल्लाह दो उमर में से एक उमर के जरिए इस्लाम को कुव्वत अता फरमा, एक उमर इब्ने खत्ताब और दूसरा अमर इब्ने हिशाम यानी अबू जहल। अल्लाह ताला ने हजरत उमर के बारे में दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ताला ने दौलत इस्लाम से उनको मालामाल कर दिया। अब मक्का में खुलकर इबादत करने का मौका हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को मिल गया। अब आगे क्या हुआ और किस तरह मक्की जिंदगी गुजरी, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आइंदा कल अर्ज करेंगे। अल्लाह ताला हमें दीन की हक्कानियत समझने की तौफीक अता फरमाए और ईमान की जितनी कुर्बानियां सहाबा इकराम ने दी और मेहनत करके उन्होंने ये दीन हम तक पहुंचाया, ईमान हम तक पहुंचाया, अल्लाह ताला अपनी शायन शान उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए और इस ईमान की हमें कदरदानी अता फरमाए। इस ईमान की मेहनत के लिए अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الحمد لله
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا